बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बार ग्राफ्स हम शुरू करेंगे एंड द बार ग्राफ्स आर इन द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द केस वन दैट वी हैव डन प्रीवियसली विच रिलेटेड टू द टेबल्स। अब बार ग्राफ्स जो है ये दीज आर ओनली प्रोड्यूस्ड इन द टेबल्स, राइट। ये सिर्फ टेबल्स के अंदर बनते हैं और ऐसे टेबल्स के अंदर जिसके अंदर हमारे पास डेटा वैल्यूज़ जो है वो क्लासेस की फॉर्म में नहीं होती। अब क्लासेस क्या है वो हम अगले केस के अंदर डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ लेट्स अज्यूम कि हमारे पास ये एक टेबल गिवन था और इस टेबल से रिलेटेड हमने एक बार ग्राफ प्रोड्यूस करना था। तो हाउ आर वी गोइंग टू डू इट? तो नंबर ऑफ बुक्स जो है ये बेसिकली हम इसको डेटा वैल्यूज भी कहते हैं और हम इनको एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं और फ्रीक्वेंसी जो है इसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब नीचे मेरे पास एक ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ के ऊपर आई जस्ट हैव टू प्रोड्यूस डिफरेंट बार्स और डिफरेंट बार्स जो है वो डिफरेंट नंबर ऑफ बुक्स को और उनकी फ्रीक्वेंसी को कॉरेस्पॉन्ड करेंगे। सो लेट्स प्रोड्यूस देम। मेरे पास जीरो नंबर ऑफ बुक्स जो है दे आर 17 इन नंबर, तो मैं यहाँ पे एक ऐसा बार बनाऊंगा जो कि 17 से लेके जीरो तक प्रोड्यूस होगा। इसी तरह वन जो है मेरे पास इट्स फ्रीक्वेंसी इज 47, तो ये 47 वाला एक ग्राफ प्रोड्यूस होगा। देखिए इस ग्राफ की जो विड्थ है इट डज नॉट मैटर, आप कुछ भी बना सकते हैं सिंस इट इज रफ, तो इसका कोई इतना मसला नहीं है। टू की फ्रीक्वेंसी इज 42। सिमिलरली थ्री की फ्रीक्वेंसी इज 28। फोर की फ्रीक्वेंसी इज 32। फाइव की 21 और सिक्स की फ्रीक्वेंसी इज 13। तो ये बार ग्राफ एक मैंने प्रोड्यूस कर दिया जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज को कॉरेस्पॉन्ड करता था।